सब्सक्राइब कीजिए माँ का स्वाद चैनल को, ताकि सबसे पहले इस चैनल की वीडियो गाइस आप देख सकें। क्लिक बिलो इन द सब्सक्राइब बटन एंड हैव अ ग्रेट फूड डे गाइस। वेलकम टू द चैनल माँ का स्वाद। आज आपको सिखा रहे हैं आलू के नान, और स्पेशली ये घर में इजीली बनाने के लिए कुकर में। आपको घर का जो वेस्ट कुकर भी पड़ा हुआ है, पुराने कुकर जो पड़े हुए हैं, उसमें आप इसे बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए बॉइल्ड आलू, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च, हरा धनिया, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। प्याज अगर आपको चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से, इसमें प्याज भी डाल लो तो बहुत अच्छे से होता है। पहले सबसे पहले हम इसे मैश करेंगे। मैश करके सब कुछ इसमें ऐड करके हम ये आलू का मसाला टू स्टफ़ द नान्स, स्टफ्ड नान्स जो है वो बता रहे हैं आलू वाले, वो मैश करके उसमें स्टफ़ करने के लिए आपको इसमें हर एक चीज़ डाल लेंगे। नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्का सा जीरा, हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून अजवाइन, ग्रीन चिलीज चॉप्ड, 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड, हरा धनिया चॉप किया हुआ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड अनियन, उनके लिए जो अनियन वाला पोटैटोज और अनियन वाला स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड नान खाना पसंद करेगा। अब ये आपका आलू का मसाला बिल्कुल रेडी है स्टफ़ करने के लिए, नान के लिए। उसके लिए अब आप लोगे आटे के बॉल्स, छोटे से उसे फ्लैट करके बेल के, उसे रोलर से रोल करके इसे स्टफ़ कर दोगे, कल की तरह, जैसे कल वाले इसमें हमने बताया था प्याज वाली परौंठी का। ये जो लास्ट में हमने बताया था, एंड आज हम इसे स्टफ करके फिर से ज़रा सारा रोल कर लेंगे। इसे ज़्यादा रोल नहीं करेंगे। एंड इस तरह अब ये नॉर्मल कुकर, घर का नॉर्मल कुकर को इसको अच्छी तरह से हीट कर लोगे। इट शुड बी हॉट एज तंदूर। देन ये आप स्टफ्ड पराठा जो बेला हुआ था, जो रोल किया हुआ, उसे लेके इसके एक साइड पर पानी लगा दोगे, हल्का सा पानी। एंड फिर इसे कुकर के अंदर ध्यान से थोड़ा फिक्स कर दोगे। सो इस तरह ये फिक्स हो जाए। ऐसे एट अ टाइम आपके 3 नान्स बन जाएंगे। इस तरह आप अपने 3 या 4 नान्स एट अ टाइम लगा सकते हैं। एंड फिर इसको ओवरटर्न कर दोगे फ्लेम फुल करके फॉर 2-3 मिनट्स। अब ये इस तरह आप देख लीजिए आपके नान्स रेडी हैं। इसको आराम से निकाल के 1 मिनट के लिए, नॉट इवन 1 मिनट, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और ये आपके नान रेडी।